हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता की क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन किसी पर भी बना सकते हैं और ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन के लिए हमने 10 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और उसमें हमने 2 एक्स्ट्रा फंदे ऐड कर लेने हैं। इस डिजाइन के लिए हमने ये 22 फंदे लिए हैं और ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड से हम पहली सलाई बनाएंगे। तो ये हमने पहला फंदा उतार लिया, ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है, एड स्टिच। धागा आगे करेंगे, अब हम 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने 6 फंदे उल्टे बुनाई कर लिए। अब हम धागे को पीछे करेंगे। अब हम ये वाला फंदा जो है, ये 2 फंदों में से ये वाला फंदा हम इस साइड लेके जाएंगे आगे से और ये फंदा हम पीछे लेके जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी बुनाई कर सकते हैं। इस फंदे को हम ऐसे पहले ऐसे बुनाई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सेकंड स्टिच को पहले बुनाई किया, तो हमने इसको ऐसे बुनाई किया। फिर हमने ये पहले वाले फंदे को, फर्स्ट स्टिच को बुनाई किया और अब हमने दोनों फंदों को सलाई से निकाल दिया। अब ये 2 फंदों में से ये फंदा हमने इस साइड लेके जाना और ये वाला फंदा हमने बीच में लेके आना। तो इसको हमने देखिए ऐसे, ये पीछे से मैंने सलाई ली और ये फंदा हमने इस वाले फंदे को इस सलाई पे लेके यहाँ पर कर लिया और इस फंदे को हमने इस सलाई पे लेके अब हमने ये दोनों फंदों को सीधा बुनाई कर देना है। ये देखिए, ये एच स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 फंदों का हमने यही डिजाइन को रिपीट करना है। तो अब धागा आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे। ये 6 फंदे हमने उल्टे बुनाई किए। धागा पीछे करके फिर से हम फंदों को पलटाएंगे। ये फंदा इधर लेके जाएंगे और ये फंदा हम बीच में लेके आएंगे। तो इस फंदे को हम आगे से ऐसे देखिए ढीला कर लिया, इसको हमने ऐसे, सेकंड वाले फंदे को हमने पहले बुनाई करना है, इसको हमने ऐसे बुनाई किया। फिर हम ये पहले वाले फंदे को बुनाई कर लेंगे। अब हम दोनों फंदों को ये देखिए सिलाई से निकाल देंगे। अब इन 2 फंदों में से ये फंदा हमने इधर लेके जाना, ये फंदा बीच में। तो आप यहाँ से पीछे से इसको देखिए, ये वाले सेकंड स्टिच को हमने, दूसरे फंदे को हमने ऐसे पीछे से सलाई लेके इसको ऐसे बुनाई किया। फिर हम ये पहले वाले फंदे को आगे से ऐसे बुनाई करके अब हमने ये दोनों फंदों को निकाल दिया। आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब ये हमारी दूसरी सलाई है उल्टी साइड से। तो हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारे फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। पूरी सलाई हम अब उल्टी बुनाई कर देंगे। इस डिजाइन में हमने उल्टी साइड की सारी सलाइयां उल्टी ही बुनाई करनी है। अब ये हमारी तीसरी सलाई है सीधी साइड से। हमने ये पहला फंदा उतार लिया। अब हम 5 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। पहले हमने 6 फंदे उल्टे बुनाई किए थे, अब हमने 5 फंदे उल्टे बुनाई किए। धागा पीछे करेंगे, अब हम फिर से फंदे पलटाएंगे। तो ये फंदा हमने इस साइड लेके जाना है और ये फंदा बीच में। तो इसको हम पहले ऐसे, इसको लूज करके हमने ऐसे, ये इस फंदे को हमने ऐसे पहले सीधा बुनाई किया पहले। फिर हमने ये दूसरा फंदा
ऐसे बुनाई किया। अब दोनों फंदों को हम निकाल देंगे। अब ये फंदा हमने इधर लेके जाना और ये फंदा हमने बीच में लेके आना। तो इस फंदे को हमने पीछे से ये देखिए ऐसे सिलाई लेके इसको बुनाई किया, फिर इस फंदे को हमने आगे से ऐसे बुनाई करना है। अब दोनों फंदों को हम निकाल देंगे। अब हम ये देखिए ये हमें सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे। तो ये एड स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये 10 फंदों को हमने रिपीट करना है। फिर हमने धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे बुनाई किए, धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदों को पलटाएंगे। इस फंदे को हमने पहले, दूसरे वाले फंदे को पहले हमने ऐसे बुनाई करना है, फिर हमने ये पहले फंदे को बुनाई किया। अब दोनों फंदों को हमने निकाल दिया। अब ये वाले फंदे को हमने इस साइड लेके जाना और ये फंदा हमने बीच में लेके आना है। तो इस फंदे को हमने ऐसे पीछे से बुनाई किया पहले, और ये वाले फंदे को हमने आगे से ऐसे बुनाई करना है, ये देखिए। अब बाकी बचे हमारे 2 फंदे, ये हम सीधे बुनाई करेंगे। ये हम उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड की सारी सिलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे। ये हमारी डिजाइन की 5वीं सिलाई है सीधी साइड से, 5th रो राइट साइड। तो हमने पहला फंदा उतार लेना है, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, अब हमने 4 फंदे उल्टे बुनाई किए। अब फिर से हमने फंदों को पलटाना है, ये फंदा हमने इधर लेके जाना और ये फंदा हमने बीच में लेके आना है। तो हमने इसको पहले बुनाई करना है, ये देखिए, तो ऐसे बुनाई किया, फिर हमने ये पहले वाले फंदे को बुनाई करना है। अब हमने ये दोनों फंदों को सिलाई से निकाल देना है। अब हमने ये वाला फंदा बीच में लेके आना है और ये वाला फंदा इधर लेके जाना है। तो इस फंदे को हमने देखिए पीछे से बुनाई करना है ऐसे पहले, फिर हमने ये पहले वाले फंदे को आगे से ऐसे बुनाई करके इन दोनों फंदों को हम सिलाई से निकाल देंगे। अब हम 2 फंदे सीधे, ये एच स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया, इसी को हम रिपीट करेंगे। फिर हम 4 फंदे उल्टे, फिर से हमने फंदों को पलटाना है, इस फंदे को हमने पहले बुनाई करना है। तो इसको हमने ऐसे पहले बुनाई कर लिया सीधा, फिर ये नेक्स्ट वाले पहले वाले फंदे को हम ऐसे बुनाई कर देंगे। अब दोनों फंदों को हम सिलाई से निकाल देंगे। इस वाले फंदे को हमने दूसरे फंदे को पीछे से पहले बुनाई करना है, तो इसको हमने ऐसे बुनाई किया। अब हम पहले वाले फंदे को बुनाई करेंगे। अब हम दोनों फंदों को सिलाई से निकाल देंगे, फिर 2 फंदे सीधे, आखिर का एक फंदा भी हम सीधा बुनाई करेंगे। अब ये हमारी 6ठी सिलाई है रॉन्ग साइड से, 6th रो रॉन्ग साइड। तो हमने पहला फंदा उतार लिया, अब ये हम सारी सिलाई उल्टी बुनाई कर देंगे। अब हम सीधी साइड आ गए, ये हमारी डिजाइन की 7वीं सिलाई है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, अब हम 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से हमने फंदों को पलटाना है, ये फंदे को इधर लेके जाना, ये फंदा बीच में लेके आना, इसको पहले बुनाई करेंगे। तो इसको हमने ऐसे सीधा पहले बुनाई किया, फिर हमने ये पहले फंदे को बुनाई किया, दोनों फंदों को निकाल दिया।
अब ये फंदे को हमने पीछे से, दूसरे फंदे को पहले बुनाई करेंगे, ये हम पीछे से बुनाई करेंगे, फिर हम पहला फंदा बुनाई करेंगे, दोनों फंदों को अब हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। ये एज स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 फंदों को हमने रिपीट करना है। फिर धागा आगे करेंगे, अब हम तीन फंदे उल्टे, फिर से फंदों को पलटाएंगे, तो इस फंदे को हम पहले बुनाई करेंगे, दूसरे वाले को ऐसे सीधा, फिर हम ये पहले फंदे को सीधा बुनाई कर देंगे, दोनों फंदों को हम निकाल देंगे। अब इस फंदों को पीछे से हम पहले बुनाई करेंगे और इस फंदे को हमने आगे से ऐसे बुनाई करना है, ये देखिए। अब ये तीन फंदे हमारे सीधे हैं, इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे, आखिर का एज स्टिच भी हम सीधा बुनाई कर देंगे। रॉन्ग साइड की हम सारी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब ये हमारी 11वीं सिलाई है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, अब हम दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदों को पलटाएंगे, दूसरे वाले फंदे को हमने ऐसे बुनाई किया पहले, फिर हमने पहले फंदे को बुनाई किया, दोनों फंदों को निकाल दिया, फिर हमने इस फंदे को पीछे से ऐसे बुनाई किया और अब हमने ये पहले फंदे को आगे से बुनाई करके दोनों फंदों को निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमारे चार फंदे सीधे हैं, तो इन चारों फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। यहाँ से लेके इस एज स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके फंदों को पलटाएंगे, आखिर का एज स्टिच भी हम सीधा बुनाई कर देंगे। उल्टी साइड की हम सारी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब ये हमारी 13वीं सिलाई है, सीधी साइड से पहला फंदा हम उतार लेंगे, अब हम एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, अब हम फंदे पलटाएंगे, इस फंदे को हमने आगे से ऐसे, दूसरे वाले फंदे को पहले बुनाई करना है, फिर हमने पहले फंदे को बुनाई करना है, इन दोनों फंदों को हम निकाल देंगे, फिर हम ये वाले फंदे को, दूसरे वाले फंदे को हमने पीछे से ऐसे बुनाई किया और अब हम पहले वाले फंदे को बुनाई करके दोनों फंदों को निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पांच फंदे सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं, इन पांचों फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। ये एच स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। फिर हम एक फंदा उल्टा, फिर से हमने फंदों को पलटाना है ऐसे, फिर हमने ये पहला फंदा बुनाई किया, अब ये हम दूसरे फंदे को पीछे से बुनाई करेंगे और फिर हम पहले वाले फंदे को आगे से बुनाई करके दोनों फंदों को निकाल देंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। ये हमारी 15वीं सिलाई है, सीधी साइड से पहला फंदा हमने उतार लिया, अब हमने कोई उल्टा फंदा नहीं बुनाई करना, अब हमने ये दोनों फंदों को पलटाना है, पहले हमने ये दूसरे फंदे को ऐसे आगे से ऐसे बुनाई किया, फिर हमने ये पहले वाले फंदे को बुनाई किया, अब दोनों फंदों को हम सिलाई से निकाल देंगे ऐसे। अब हम ये इस फंदे को, दूसरे वाले फंदे को हमने पीछे से बुनाई करना है और फिर हमने ये वाले फंदे को आगे से बुनाई करके दोनों फंदों को हम निकाल देंगे। अब हम ये 6 फंदे सीधे बुनाई कर देंगे।
ये देखिए एज स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसी डिजाइन को हमने रिपीट करना है। फिर से हमने ये फंदे को इधर लेके जाना है, ये फंदा बीच में लेके आएंगे, इसको पहले ऐसे बुनाई किया सेकंड वाले फंदे को, फिर हमने पहले वाले फंदे को बुनाई किया। अब ये वाले फंदे को इधर लेके जाना है, तो इस फंदे को हमने दूसरे वाले फंदे को पीछे से बुनाई किया और अब हमने ये पहले वाले फंदे को बुनाई किया। दोनों फंदों को सिलाई से निकाल देना है। अब छह फंदे सीधे, आखिर की एच स्टिच भी हम सीधा बुनाई कर देंगे। उल्टी साइड की सारी सिलाई उल्टी बुनाई कर देंगे। ये देखिए ये हमारा 16 सिलाइयों का पैटर्न है, इन्हीं 16 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। अब फिर से हमने ये एच स्टिच को छोड़ के यहाँ पर 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, फिर ये 4 फंदों को हम फंदों को पलटाएंगे। ऐसे ही ये खूबसूरत सा डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।